हमारे पास काफी सारी कॉलेज हैं, और जैसे हमारे पास ये बच्चों भी हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, तो हमको जब थेरेपी करनी है तो हमारे लिए बॉलों का बहुत ख्याल रखते हैं। कई तरह की बॉलें होती हैं, देखिए ये सॉफ्ट बॉल है बिल्कुल, जो बच्चों को हम हाथ के ऐसे खुलवा सकते हैं अच्छे से आराम आराम से, है ना। और इसके अलावा हमारे पास जो सेंसरी वो देती हैं, जैसे कि देखिए हाथ पे फेर सकते हैं, सेंसरी फीडबैक, डिफरेंट टेक्सचर वाली बॉल हैं इस तरह से। तो ये बॉल पूल भी होते हैं सेंटर्स में, और बॉल थेरेपी मतलब ये बहुत फायदे की चीज़ होती है बच्चों के लिए, तो हम बॉल में कई चीज़ें सिखा सकते हैं। ये भी बॉल के प्रकार है, इसमें साउंड होता है, जिसमें साउंड हो रहा है तो हम एक बच्चे को पहले स्ट्रेटिंग रेडी कर रहे हैं, कितना कितना एक्साइटिंग से कितना फिट हो रहा है, वाह सुनील भी उड़ रही है, देखिए आप, वाह वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और अच्छा। और फिर उसको हम उसके हाथ से दबा सकते हैं, उसे दोनों हाथ लगा के दबाएं, उसको महसूस कराएं, टच कराएं, फील कराएं। फिर देखिए ये जो बॉल है ये बनी ऑपरे बच्चे से कूदते भी हैं, अब जैसे ये छोटी बॉल इसको जैसे रन देंगे बॉल के ऊपर तो कई प्रकार की कोशिश कर सकते, छोटी बॉल है तो इसको बिठाने में आसानी होगी, और ये सिटिंग बैलेंस के लिए हम कोशिश कर सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। जैसे ये देखिए बच्चा काफ़ी चीज़ गर्दन संभाल रहा है, पहले गर्दन ही संभाल रहा है, तो अब बॉल्स के द्वारा ये गर्दन संभाल रहा है, तो आप उसको धीरे धीरे से इधर ले जाएंगे, बोलेंगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, और ये जो है थोड़ा पीछे की जाना चाह रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे इस बॉल को हटा के थोड़ी सी बड़ी बॉल, ये बॉल इसमें थोड़ा इसको लिटा भी सकते हैं, और लिटा के इसको हम आराम से बाउंसिंग करेंगे, जिससे कि जो है रिलैक्स फील, ये बच्चे सो भी जाते हैं बॉल पर और उनको एक सेंसरी फीडबैक मिलता है वेस्टिबुलर बोलते हैं इसको। तो बॉल थेरेपी बहुत फायदा करती है, इसको दाएँ बाएँ आगे पीछे बाउंस कराते हैं, तो बाउंस कराने में अच्छा काफ़ी रिलैक्स होता है, काफ़ी ढीला होता है, और जो माइलस्टोन्स होते हैं हेड कंट्रोल है, सिर संभालना, कंधे की स्थिरता, कमर की स्थिरता, वो सब बॉल के द्वारा सिखा सकते हैं बच्चों। इवन रोलिंग जैसे पलटना है, तो हमने एक दो तीन पलट दिया, अभी पलट गया, अब हमको इसको किसी पोजिशन में इसको हेड कंट्रोल कैसे बनाते हैं, दोनों हाथ हमने ऐसे लिए और सिर को उठवाना है, तो हमारे पास जो साधन है तरीके हमारे पास टॉरी है, तो हम उनका साउंड निकालेंगे और उसको उत्साहित करेंगे, और फिर ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, देखो तो उसे गर्म हो जाए, ऊपर देखो, देखो और देखो और देखो, तो इस तरह से आप अपना गर्दन पर से हाथ जोड़ सकते हैं हल्का हल्का, और देखो और देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, अरे वाह देखो तो कितना अच्छा देख रहे हैं, वेरी गुड। तो धीरे धीरे की पोजिशन में कमर सीधी होती है, वजन ले रहा है वो, और उसको तो ये हम ले लेते हैं साथ में तुरंत।